Surendra Jain. My Alwar as a physician. काम कर रहा हूँ और 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस है. इस टीबी दिवस के ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि यह बीमारी इंडिया के अंदर काफ़ी फैली हुई है और इसमें करीबन 4000 के आसपास के रोजाना मरीज आते हैं इसमें. और ये मरीज हम आइडेंटिफाई कर लें इन मरीजों को, तो हम इनको इन उस बीमारी से हम पूर्ण छुटकारा पा सकते हैं. ये टीबी ज़्यादातर भारत के अंदर जो लो सोशल इकोनॉमिक जो एरियाज है उसमें ज़्यादा फैलती है. और इससे बचाव करने के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मरीज के अंदर अगर खांसी है, 15 दिन से अगर खांसी है, तो उसको अपना इलाज लेने के लिए जो डॉक्टर है उसके पास जाए और उसे इलाज लें और अपने इन्वेस्टिगेशन करा करके अगर उसमें टीबी आती है तो उसका इलाज लें. यह बीमारी 100% इसका इलाज है और ये पूर्ण तरह से ठीक हो सकती है. और ये और इसका हम ये जो बीमारी है एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि एक दूसरे के अंदर फैलती है. तो इसके लिए मैं अपील करना चाहूँगा कि मरीज हर जगह नहीं थूके और अगर खांसी अगर आती है तो पे कपड़ा लगाए या आजकल मास्क है मास्क लगा कर रखें जिससे बीमारी नहीं फैलेगी. और इस बीमारी अगर फैलती है तो दूसरे हर ये फैलने जिस खांसने से हर मरीज के दूसरा मरीज के ऊपर ये फैलती है, इसलिए इसको बचाव करने के लिए चीज़ करनी चाहिए. और मरीज को आजकल गवर्नमेंट जो है ट्रीटमेंट फ्री दे रही है. जो भी कंपनी जो भी टीबी सेंटर्स हैं जो भी आसपास के पीएससी वगैरह हॉस्पिटल्स हैं तो उसमें जा करके अपना जांच कराएं तो ट्रीटमेंट फ्री मिल सकता है. और सरकार हर मरीज़ को खाना खुराक के लिए 500 रुपये की उपलब्ध कराती है. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जो भी ज़्यादातर जो भी लोग बात हैं उनके अगर खांसी है तो अपना बचाव करें और इससे टीबी जो है वो 100% ठीक हो सकती है. ये क्योरेबल डिजीज़ है तो इसका ध्यान रखें और आगे दूसरों के लिए भी बचाव करने के लिए ये इस तरह का जो थूक हर जगह थूकना या खांसना ये इसका थोड़ा अवॉइड करें तो ये बीमारी फंस सकती है और उन्हें फैलने से भी रोका जा सकता है.